खरगोन कलेक्टर अनुग्रहा पी ने विकासखंड भिकन गांव में जनपद पंचायत तहसील कार्यालय और एसडीएम कार्यालय में औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने कोरोना काल में शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं में प्रगति लाने के उद्देश्य से समीक्षा कर दस्तावेजों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को लंबित प्रकरणों विकास कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने जेतगढ़ तालाब में मत्स्य पालन का पट्टा नहीं मिलने की शिकायत की। कलेक्टर ने सीईओ जनपद पंचायत को समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा ग्राम पंचायत बमनाला में मनरेगा योजना से बन रहे ग्रेवल मार्ग का निरीक्षण भी किया। भिकन गांव से शक्ति धनगर की रिपोर्ट। तहसील कार्यालय और जनपद कार्यालय में औचक निरीक्षण क्या था प्रमाण? ये तो जनरल निरीक्षण है जनपद और तहसील और एसडीएम कार्यालय की, जो काफ़ी समय से कोरोना के वजह से जो काम रुका पड़ा है उसको दोबारा चालू करा के रूटीन में लेके आ रहे हैं। जनपद पंचायत की विभिन्न योजनाओं में कुछ आपको कमियां पाई गई क्या, ऐसा कुछ आपको देखने में आया? नहीं, बहुत बड़ा कमी तो नहीं है। जो जनरल इश्यूज है वो हमने जनपद सीईओ को बता दिया है, उसका जो है वो ठीक करा देंगे। लगभग नरेगा में हर पंचायत में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ, इसके विषय में आपके पास कोई जानकारी? वो चल तो रहा है, केसेस तो ज़्यादा है। सेक्शन 92 का कुछ 67 केसेस चल रही है, उसको हम जल्दी जो है निराकरण करने के लिए निर्देश दिए हैं। मैडम, बहुत सारे केसेस में अभी शिकायत भी पेंडिंग है लेकिन उस कार्रवाई कुछ नहीं होती। ज़्यादा रिकवरी निकाल के कर देते हैं और फिर उसको पेंडिंग करते हैं, कार्रवाई कुछ होती नहीं, तो फिर करा लेते हैं। मैडम, बाजारों में भीड़ भी लग रही है, आगे शादी ब्याह का त्यौहार है, कोविड को लेकर किस प्रकार की कोई अभी गाइडलाइन आई है? देखिए, अभी जो है ठंड के मौसम में सभी जो है, आपने भी देखे होंगे, हमारा जो बड़े बड़े शहर में भी 600 का केसेस जो है बढ़ रहा है, ऐसे 600-400 का। करगोन में अभी भी थोड़ा स्थिति ठीक है, वो इसीलिए है आप लोग जो है मास्क पहन के जो है पालन करा रहे हैं। सो इसका हाट बाजार के दिन और जो है जो मार्केट एरिया में जब भी लोग आते हैं मास्क जरूर पहना है। मैडम, मास्क का उपयोग पब्लिक तो कुछ हद तक कर रही है लेकिन प्रशासनिक विभागों में अगर देखे वहीं पे कर्मचारी नहीं मास्क पहनते? नहीं नहीं, हम तो बहुत स्ट्रिक्ट है, मास्क तो पहनना चाहिए। शायद तहसील ऑफिस हो, जनपद हो कि कोई, अभी हमने जो देखा है सभी लोग तो पहने हैं, उसको आगे भी निरंतर रखें। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।